ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है पेट्रोल की प्यासी चुड़ैल, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। रचित अपनी मम्मी पापा और बहन अदिति के साथ एक शादी में से वापस लौट रहा था, तभी उसकी पापा ने पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल डलवाने के लिए कार रोकी। तभी अदिति कार से उतरते हुए बोली, पापा मैं अभी आई। उसके पापा बोले, अरे बेटा कहाँ जा रही है? अदिति बोली, पापा वॉशरूम जाना है, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना बोलकर वो चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि सारे वॉशरूम बहुत गंदे हैं। वो बोली, यू कितने गंदे हैं ये, मैं आ नहीं जा सकती, घर जाकर ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे किसी लड़की की आवाज आई, अदिति अदिति। ऐसी आवाज सुनकर वो डर गई, लेकिन वो आवाज उसे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। उधर अदिति के घर वाले परेशान थे, क्योंकि अदिति को गए हुए 15 मिनट हो गए थे और वो अब तक नहीं लौटी थी। उसकी मम्मी परेशान होकर बोली, रचित बेटा जरा देखकर तो आ, कहाँ रह गई वो, इतना टाइम तो नहीं लगता है, देख किसी मुसीबत में तो ना फंस गई वो। रचित बोला, हाँ मम्मी देखकर आता हूँ अभी, आप परेशान मत हो। जैसे ही रचित अदिति को ढूंढने जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा अदिति चुपचाप वहाँ खड़ी थी। रचित ने पूछा, कहाँ चली गई थी, इतना टाइम कौन लगाता है भाई? लेकिन अदिति कुछ भी नहीं बोली। तब उसके पापा उन सबको कार में बैठने के लिए बोलने लगे और वो सब अपने घर चले गए। घर जाकर वो सब सो गए। तभी आधी रात को अदिति की शोर से उन सबकी आंखें खुल गईं। वो सब जल्दी से अदिति के पास पहुँचे। उसकी मम्मी ने पूछा, अदिति बेटा क्या हुआ, क्यों शोर कर रही हो? तब अदिति चिल्लाते हुए बोली, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। रचित बोला, पागल हो गई है क्या तू, आधी रात को कहाँ घूमने जाएगी, अभी शाम ही तो शादी में साए हैं हम, जा जाकर सो जा। तब तो अदिति सो गई, लेकिन सुबह उठते ही वो फिर से घूमने जाने की जिद करने लगी। छोटी होने की वजह से उसके मम्मी पापा उसकी सारी बात मानते थे। उसकी मम्मी ने रचित से कहा, रचित जा बेटा, छोटी बहन को घुमा ला। अभी अदिति का रोज का हो गया था, हर 2 घंटे में वो घूमने जाना है बोलती रहती। उसके घर वालों को अब शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन रचित की मम्मी रचित से बोली, रचित बेटा मुझे लगता है हमारी अदिति को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है, उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता जा रहा है, पूरे दिन घूमने जाने की रट लगाए रखती है, पर हमारी अदिति को तो कहीं बाहर जाना पसंद ही नहीं था, उस दिन शादी में भी बड़ी मुश्किल से लेकर गई थी मैं उसे, तू एक काम कर, वो पहाड़ी वाले बाबा है ना, उन्हें घर ले आ, और वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अपनी मम्मी की बात सुनकर रचित उन बाबा को अपने घर ले आया। बाबा ने जैसे ही अपने कदम उनके घर में रखे, अदिति तो मानो पागल ही हो गई थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भेज दो इसे वापस, भेज दो, मैं मार दूंगी सबको, मेरे पास मत आना, मत आना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। अदिति की ऐसी हालत देखकर सब परेशान हो गए थे। रचित उन बाबा से बोला, बाबा प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो, क्या हो गया इसे? बाबा बोले, बच्चे तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा अदिति को, इसे किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। बाबा ने अपना अद्भुत अनुष्ठान शुरू किया। ओम फट स्वाहा। बाबा के चेलों ने पकड़कर अदिति को बाबा के सामने बैठाया। बाबा ने अदिति से पूछा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही है? वो आत्मा बोली, मैं नहीं बताऊंगी और मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। तब बाबा ने भभूत अपने हाथ से निकाली और बोले, बता दिया है भस्म कर दो तुझे यही। तब वो आत्मा डरते हुए बोली, बताती हूँ, मैं हरियाणा में बहुत ऐश्वर्याम के साथ रहती थी, मुझे घूमना बहुत पसंद था, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक कार दिला दी थी, मैं पूरा टाइम उसी में घूमती रहती थी, लेकिन फिर अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मैंने सब कुछ बेच दिया जिससे मैं आराम से घूम सकूं, लेकिन एक महीने में ही मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, मेरे पास बस एक बोतल पेट्रोल बचा था, मैंने उसे पी कर ही आत्महत्या कर ली।
अब मैं भूत बन गई हूँ। मैं किसी के भी शरीर में घुसकर आराम से कहीं भी घूम सकती हूँ। मैंने जब इस परिवार को वहाँ पेट्रोल पंप पर देखा तो मुझे पता चल गया था कि ये लोग बहुत अमीर हैं। अगर मैं इनकी छोटी बेटी के शरीर में घुस जाऊंगी तो आराम से कहीं भी घूम सकूंगी। इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हा हा हा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। मार दूंगी मैं सबको। जाओ तुम लोग यहाँ से। आत्मा की बात सुनकर सब लोग डर गए और बाबा से बोले, बाबा बाबा, मेरी बेटी को इस आत्मा के चंगुल से छुड़ा लो। बाबा ने मंत्र पढ़कर वो भभूत उस आत्मा के ऊपर डाल दी। वो आत्मा चिल्लाकर अदिति के शरीर से निकल गई और उस बाबा ने उसे बोतल में बंद कर दिया। दोस्तों, हमें कोई भी शौक नहीं रखने चाहिए जिससे हमें या हमारे आसपास के लोगों को कोई नुकसान हो। हमें हमेशा हमारे कामों से होने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है।